Hey guys, welcome to the roast of the show, Jeet Ki Jang. This is an HBL PSL show where they bring on famous characters and ask them fun questions. And ye baat main clear kar leta hu ki mujhe Ramiz Raja ki shirt pe comment karna mana hai. I think roast start karte hain Osama Mir ke bare mein main kya bolu? Matlab kya bolu? Seriously kya bolu? Ye kaun hai? अगर आप पहला एपिसोड देखते हैं, आई डोंट नो व्हाई अहमद शहजाद और फखर जमान एक दूसरे से सोफे पे इतना दूर बैठे हुए हैं. या तो उनकी लड़ाई होगी थी या वो कोरोना वायरस से बच रहे हैं. कोटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर. और अहमद भाई कैसे हैं? फखर ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? ठीक हो, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, और क्रिकेट कैसे चल रहा है? चल रहा है, बस चल रहा है. हाँ, चल रहा है. और तुम बताओ? बिल्कुल बिल्कुल. वो रमीज भाई, मैं उसको कह रहा था. और ये देखें, दूसरे एपिसोड में सरफराज भाई और शान मसूद भी कितने दूर बैठे हुए सोफे पे. उनके आपस में इतना फासला है कि यू कुड लिटरली फिट शान मसूद एंटायर करियर. हसन अली विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करते हुए इंजर हो गए थे, फिर वो शादी के बाद भी इंजर हो गए थे. तो बस दुआ करें वो शो के दौरान इंजर नहीं हो जाए. क्या कर आते साथ T20 सर. ओ वाह, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद ये फखर जमान का बेस्ट परफॉर्मेंस था इस बॉटल फ्लिप चैलेंज में. और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को 2 साल हो चुके हैं, तो आई एम ग्लैड ही इज डाइवर्सिफाइंग हिज टैलेंट्स. फिर जैनब अब्बास ने हंस के दिखाया. अहमद शहजाद अभी माइक पे डायरेक्ट विराट कोहली से टिप्स ले रहे हैं कि वो नेक्स्ट क्या बोलें और किस तरह मूव करें, और अगर कोई हेयर स्टाइल चेंज आ रही है तो वो भी कर लें. फिर रमीज राजा भाई ने अपने बालों की तारीफ रिसीव करने के लिए किसी और के बालों की तारीफ करने की कोशिश की. आपके माशाल्लाह से बाल बहुत अच्छे लग रहे. उन्होंने फिर सरफराज भाई के बालों की तारीफ करने की कोशिश की. एक हसीन फैन, वाह अब तो बाल भी बहुत बेहतर लग रहे हैं. फाइनली किसी ने रमीज राजा भाई के बालों पे कॉम्प्लीमेंट कर ही लिया. जो भी इंशाल्लाह एज होगी 100 साल के भी हो जाएंगे, इनके बाल ऐसे ही रहेंगे. सही बात है, सबसे वाह रमीज भाई. और फिर अहमद शहजाद से होस्ट ने हार्ड हिटिंग सवाल पूछे. ब्यूटी क्रीम दिन में कितनी बार लगाते हैं? नहीं, देयर आर थिंग्स. रात को लाइक नाइट क्रीम होती है, एस्टी लॉडर्स एंड डे क्रीम होती है, दैट्स इट. और फिर अहमद शहजाद से उनके गुस्से के बारे में पूछा गया. ग्राउंड पे सबसे बुरी लड़ाई किस प्लेयर के साथ हुई? आई थिंक डोमेस्टिक का एक मैच था. एक वहाँ आफ्ताब के साथ हुई थी, एक दिलशन के साथ हुई थी. जिसमें उसने मुझे कुछ बोल रहा था तो मैं चुप था. उसने मुझे एकदम फिर ना यहाँ पे पास गया तो यहाँ बल्ला मारा, मैंने बल्ला ही पकड़ लिया. सही बात है. डोंट यू डेयर. चलिए, उनको फेस पे चोट वोट तो आई होगी लेकिन उन्होंने शुक्र है नाइट क्रीम लगा ली. अच्छा गाइज, मैंने काफी लोगों का मजाक उड़ाया. अगर किसी प्लेयर को बुरा लगा प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, मैं ऐसी मजाक कर रहा था. डोंट यू डेयर.